कृष्ण फ्रेंड, आज हम ठाकुर जी के लिए इस तरह सुंदर सी कंठमाला बनाएंगे। तो मैंने इसमें सिर्फ दो कलर यूज किया है। मैंने इसमें ब्लू और स्काई ब्लू और ब्लैक और पेरोट कलर यूज किया है। आप आपके पसंद के कोई भी कलर यूज कर सकते हैं। तो ये मैंने 2, 3 और 4 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए बनाई है। तो चलो हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको ज़्यादा मटेरियल्स की भी ज़रूरत नहीं होगी। आप चाहे तो ये लटकन बना सकते हैं, या अगर आपके पास ऐसे मोती ना हो तो साफ आप सिर्फ इस तरह इतनी ही भी बना सकते हैं। तो चलो हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलो हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो माला जी बनाने के लिए मैंने ये ब्लू कलर के मोती लिए हैं। ये डल मोती है और 0 साइज के हैं। और मैंने ये स्काई ब्लू मोती लिए है, ये भी डल मोती है और 0 साइज के है। और मैंने ये पेंडेंट बनाने के लिए इस तरह ये लमगोल मोती लिया है और गोल मोती लिया है। ये 4 mm का है और ये 6 mm का है, लमगोल मोती है वो। तो चलो हम माला जी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमें इस तरह 4 ब्लू कलर के, 3 स्काई ब्लू और 4 ब्लू कलर के मोती लेने हैं। और फिर हम यहाँ गांठ लगा लेंगे। और एक्स्ट्रा धागा है उसे कट कर लेंगे। हमने धागा कट कर लिया है। अब हम फिर से ये सभी मोती में से रिटर्न लेंगे नीडल। ये 4 ब्लू कलर, 3 स्काई ब्लू और फिर से ये 4 ब्लू कलर में से रिटर्न लेंगे। तो पूरा राउंड हमें लेना है रिटर्न। तो लास्ट में फिर से हमारा धागा यही आ जाएगा इस तरह। अब हमें फिर से 4 मोती ब्लू लेने हैं और 2 स्काई ब्लू, और ये पहला वाला स्काई ब्लू और 4 ब्लू मोती में से रिटर्न इस तरह। और फिर नीचे 4 ब्लू और 1 स्काई ब्लू में से। अब हमें 2 स्काई ब्लू लेने हैं पहले, और फिर हमें 4 मोती लेने हैं। और फिर से यहाँ से 4 मोती ब्लू और 1 स्काई ब्लू में से। और फिर ये सभी मोती में से रिटर्न यहाँ से और यहाँ से। अब पहले हमारा ब्लू है तो पहले 4 ब्लू लेंगे और बाद में 2 स्काई ब्लू लेंगे। और ये 1 स्काई ब्लू और 4 ब्लू में से रिटर्न इस तरह। तो पहली बार ही हमें स्काई ब्लू 3 लेने हैं, फिर हर बार हमें 2 मोती लेने होंगे। और फिर ये 4 मोती में से और 1 स्काई ब्लू मोती में से रिटर्न, यानी टोटल हमें 5 मोती में से रिटर्न लेनी है। और पहला अब हमारा स्काई ब्लू है तो पहले हम 2 स्काई ब्लू लेंगे और फिर हमें 4 ब्लू लेने हैं।
सामने से निडल, और फिर ये दोनों स्काई ब्लू और ऊपर के चारों मोती में से रिटर्न। तो इसी तरह हमें पूरा सर्कल बनाना है। आपको जितनी बड़ी बनानी है माला जी उतना बड़ा बनाना है। यहाँ से और फिर ये चार मोती और नीचे का एक स्काई ब्लू मोती। तो इसी तरह हम आगे कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरह मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। मैंने यहाँ ये 13 लाइन तक लिया है और ये माला जी हमारे 2, 3 और 4 नंबर के लड्डू गोपाल जो आ जाएगी। और आप बड़े बनाना चाहे तो आपको इसमें ज़्यादा स्टेप लेने हैं। मैंने यहाँ 13 लिया है। अब हम यहाँ ये बीच के मोती में से निडल लेंगे और अब हमें 6 स्काई ब्लू मोती लेने हैं। और आगे के हमें 1, 2, 3 मोती छोड़ के ये बीच के 2 मोती में से निडल लेनी है रिटर्न, इस तरह। और फिर हमें एक स्काई ब्लू मोती लेना है और ये आगे के मोती में से निडल जो हमारा बीच का है उसमें से, इस तरह। फिर इसी तरह हमें 6 मोती लेने हैं। फिर से सेम मोती आगे के ये 3 मोती छोड़ के ये 2 मोती में से निडल। और फिर से एक स्काई ब्लू लेंगे और ये आगे के बीच के मोती में से निडल। तो हर बार हमें इसी तरह लेना है। फिर से हमें 6 मोती लेने हैं और 3 मोती छोड़ के 2 मोती में से रिटर्न। धागा हमें टाइट ही रखना है और फिर एक मोती और आगे निडल। तो इसी तरह हम यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं सभी मोती में से। तो इस तरह मैंने ये सभी लाइन कंप्लीट कर ली है यहाँ लास्ट तक। ये लास्ट में मैंने बीच के मोती में से ले लिया है। अब हम यहाँ से ही रिटर्न लेंगे ये मोती जिसमें से हमारी धागा निकला था उसे छोड़ के हमें आगे के ये मोती में से निडल लेनी है ये चारों मोती में से। इस तरह और फिर हमें एक ब्लू मोती लेना है और ये हमारा जो बीच का मोती है उसमें से निडल। यहाँ से और फिर हम इस तरफ भी एक ब्लू मोती लेंगे और ये यहाँ बीच का जो मोती है उसमें से निडल, इस तरह। और फिर हमें ये ब्लू और स्काई ब्लू दोनों मोती में से निडल लेनी है। और फिर हमारा जो ये आगे का मोती है उसमें से, और फिर आगे जैसे हमने लिया वैसे एक ब्लू और आगे के इस मोती में से निडल
और फिर एक ब्लू मोती लेंगे और यहाँ से नीडल और फिर ये ब्लू और स्काई ब्लू दोनों मोती में से नीडल और ये आगे के ब्लू स्काई ब्लू मोती में से नीडल। तो कुछ इस तरह आएगा हमारा। तो इसी तरह हमें आगे भी कंप्लीट करना है ये आगे के मोती में से और फिर से एक ब्लू मोती हर बार हमें एक एक ब्लू मोती लेना है। यहाँ से नीडल अब हमें यहाँ ये जो बीस का मोती है वहाँ नीडल लेंगे। हमें ये एक दो तीन चार और पांचवे मोती में यहाँ लटकन बनाना है। तो हम पहले एक बड़ा गोल मोती लेंगे और तीन ब्लू मोती लेंगे और ये तीन मोती छोड़ के ये वाइट मोती में से नीडल और फिर हमें यहाँ सामने से नीडल लेनी है। यहाँ हमारा धागा है तो हम सामने से नीडल लेंगे और फिर यहाँ से और यहाँ से अब फिर से हमारा एक ब्लू मोती आएगा फिर से एक ब्लू और ये आगे से नीडल और फिर एक ब्लू यहाँ से ये प्रोसेस हमारी सेम ही रहेगी। फिर दोनों मोती में से बाजू वाले मोती में से फिर हमें ये सेंटर के मोती तक आना है। ये हमारी सेंटर की लाइन है तो हम यहाँ भी एक पेंडल बनाएंगे। तो हम यहाँ ये लंबगोल मोती लेंगे छोटा वाला भाग पहले और बाद में ये और फिर हमें तीन ब्लू मोती लेने हैं इस तरह और फिर तीन ब्लू मोती छोड़ के आगे से और ये सामने से नीडल और फिर हम यहाँ स्काई ब्लू मोती और यहाँ से और फिर एक ब्लू मोती लेंगे तो ब्लू मोती और यहाँ से नीडल और फिर से एक ब्लू मोती और ये यहाँ से नीडल और फिर ये ब्लू और स्काई ब्लू मोती में से नीडल और ये आगे साइड में से नीडल और ये फिर से ये सेंटर में नीडल क्योंकि हमें ऐसा ही लटकन दूसरा बनाना है। दोनों साइड हम छोटे मोती वाला लटकन बनाएंगे
और हमें ये तीन मोती छोड़ देने हैं। जैसे सामने लिया वैसे ही इस तरफ भी लेना है सामने से नीडल, और फिर से हमें स्काई ब्लू मोती में से नीडल, और फिर ये बाजू वाले मोती में से रिटर्न, और एक ब्लू मोती, तो जैसे आगे लिया वैसे ही सेम प्रोसेस हमें करनी है। तो इसी तरह हम यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरह हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम यहाँ गांठ लगाकर धागा कट कर लेंगे। ये हमारी माला जी बन के रेडी हो गई है। तो फ्रेंड इस तरह हमारी ये माला जी बन के रेडी हो गई है। तो इसी पैटर्न में मैंने इस तरह ये पेरोट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन लिया है। आप चाहे तो इस कॉम्बिनेशन में भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट करके बताएगा, और मेरी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। जय श्री कृष्णा।